आज हमारा देश दो किस्म की समस्याओं से बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है। आप और हम जानते हैं कि पहली हमारी गहरी समस्या है कोविड-19। पूरी दुनिया इस महामारी से मुकाबले में लगी है, हिंदुस्तान भी जूझ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसी बीमारी की अगर मैं बात करूं तो हमारे दूसरे बीमारियों से जो पीड़ित लोग हैं वो उनमें मृत्यु दर अब बढ़नी शुरू हो गई है। कैंसर पीड़ित जो हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जिनको डायलिसिस की जरूरत है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, टीबी पेशेंट्स हैं, जिनको डिप्रेशन और एंजाइटी है, अन्य किस्म की बीमारियां हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स और ओपीडी की अवेलेबिलिटी जो लगातार इन दो महीनों के अंदर उनको संकट आया है, उसकी वजह से मृत्यु दर बढ़नी शुरू हो गई है। इनमें लीवर पेशेंट्स की भी बहुत समस्याएं आ रही हैं। चूंकि हम पहले भी बोलते थे और अब हम कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, अगर प्रॉपर तैयारी से इस कोविड-19 की महामारी से जूझने के लिए प्रॉपर प्लानिंग से हम एंटर किए होते, लोगों को घरों में जाने दिए होते, पहले 6-7 दिन लोगों को वार्निंग देके घरों में भेजते, उनको वेल ट्रेन कर देते कि कैसे हमें चीजों को हैंडल करना है, तो हम अपने गांवों को भी बचा पाते, हम अपने मजदूरों को भी घर सुरक्षित जाने देते। तब अभी 6-7 केस हुए थे जब पहली बार लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन हमारी सरकार ने तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो गंवा दिए। फरवरी में चुनावों में दिल्ली के अंदर जो जहर घोला गया, लोगों को बांटने की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेली गई, उसके बाद ट्रंप नमस्ते के उसमें बिजी रहे, जब पूरी दुनिया के अंदर केस बढ़ने शुरू हो गए और हिंदुस्तान में भी समस्याएं घिरने लगी। बाहर से आने वालों के ऊपर ना कोई कंट्रोल रहा, ना क्वारंटाइन रहा, ना चेकिंग रही। मार्च का महीना आ गया, नॉन सीरियस जारी रही, पार्लियामेंट चलती रही, पार्लियामेंट को संज्ञान में नहीं लिया गया। ये सब बातें मैं पहले कह चुके हूं, कहना इसलिए जरूरी फिर से हो गया है कि MPs ने कहा था पार्लियामेंट बंद करो, सरकार नहीं माने। MPs मास्क लगाने के लिए आए तो उनको कहा गया बाहर चले जाइए, उतार के आइए। और जब मार्च का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था तब भी मध्य प्रदेश की सरकार बनाने और गिराने में व्यस्त रहे। फरवरी एंड के अंदर गुजरात में कौन राज्यसभा में जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, कौन MLA को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, कहां ले जाया जाएगा, कहां पोचिंग की जाएगी, इसी में समय बीत रहा था। शुरू से राजनीति की जा रही थी, देश के सामने पेंडेमिक आ रहा था, इसकी तैयारी नहीं थी। और अगर वो समय तैयारी में लगाया गया होता, उसके लिए सेपरेट सेटअप तैयार किया गया होता, तो नॉर्मल हॉस्पिटल सिस्टम और नॉर्मल क्लिनिक सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना हम लोग इस पेंडेमिक की महामारी में एंटर कर सकते थे उसको हैंडल करने के लिए। इसलिए लॉकडाउन अनप्रिपेयर्ड था, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, महीनों खराब कर दिए गए, राजनीति में लिप्त रही हिंदुस्तान की सरकार और उसका खमियाजा आज ये देश भुगत रहा है। दूसरी समस्या है कि उसका खमियाजा अब हमारा अर्थतंत्र भुगत रहा है। अगर शुरू के अंदर इन श्रमिकों को अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंच गए होते तो गांव भी सुरक्षित होते, हमारे श्रमिक तब संक्रमित नहीं थे, किसी भी देश से आने वाले के साथ उनका लिंक नहीं हुआ था, कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं थी। वो शुरू के अंदर मार्च के महीने में आखिरी हफ्ते में या 19 से लेकर के 25 तक भी या 26 तक भी उनको जाने दिया होता तो संभव था। जिस देश के अंदर नॉर्मल ट्रेन सिस्टम 2.5 से 3 करोड़ पैसेंजर्स को पूरे देश में आवागमन करा सकता है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। हमारे 9-10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ जो अपने अपने प्रदेश के भीतर के भी लोग हैं, उनको सबको मिलाओ तो 20 करोड़, लेकिन जो अपने प्रदेश के अंदर जाना चाहते हैं वो 8-9 करोड़ श्रमिक, उसके अलावा नागरिक और विद्यार्थी, उन सब लोगों को 6-7 दिन के अंदर घरों में पहुंचाया जा सकता था, वो अपने अपने घरों में सुरक्षित होते तो आज जो तीर्थ यात्री संक्रमित हुए वो भी नहीं होते, जो विद्यार्थियों में संक्रमण आया है वो भी नहीं होते, और जो श्रमिकों में संक्रमण आया है वो भी नहीं होते, और इसलिए सब अपने अपने घर में होते। अगर ये श्रमिक अपने घरों में मार्च के महीने में गए होते तो आज हमारा जो दूसरा संकट है, जिसकी चिंता में हर बिजनेस कम्युनिटी बोल रही है कि हमारा इतना लॉस हो रहा है, हमारा इतना नुकसान हो रहा है, तो अगर ये सब अपने घरों में होते,
इनको राशन सुरक्षित मिल गया होता, इनको 2 महीने की कैश अगर मालिकों ने नहीं दी थी तो जो हम मांग कर रहे हैं सरकारें दे दी होती। केंद्र सरकार से हमने ये कहा था कि कैश ट्रांसफर इनको मिलना चाहिए जो वेतन भोगी है, और जो वेतन भोगी नहीं है, स्वतः रोजगार है, दिहाड़ीदार है, कहीं इधर उधर दुकान पे नौकरी करता था, अपनी रेहड़ी चलाता था, उनको भी हमने बार बार बोला कि 7,500 रुपए के करीब 2-3 महीने के लिए दे दीजिए। आज वो लोग कह रहे होते कि हमें वापिस काम पे बुलाइए। आज स्थिति ये है कि काम के लिए मजदूर की आवश्यकता के समय में आज मजदूर कह रहा है मुझे घर जाना है। किसने ये हालत पैदा की है? और आज भी मैं ये कह रही हूं, जब फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही, जब रेलवे स्टेशन के बाहर, मैदानों के अंदर, स्कूल की बिल्डिंग्स के अंदर भीड़ लगी हुई है, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, अपने लाइनें लगवा रखी हैं, धूप में खड़ा किया हुआ है उनको, उनकी रजिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं, हम इतनों को जाने देंगे इतनों को नहीं जाने देंगे, हताश कर रखा है उनको, एंग्जाइटी में डाल रखा है। और ये चीज मजदूरों के अंदर और भी अपना घर जाने की जिद पकड़ने के लिए वातावरण तैयार कर रही। जो भयावह स्थिति आपने तैयार की है उसका ये नतीजा है। इसलिए जब आप फिजिकल डिस्टेंसिंग बना ही नहीं सकते, 20-25 करोड़ आबादी के लिए संभव था सडन लॉकडाउन को हैंडल करना, इन सब के लिए संभव नहीं था। रोजगार चले जाने के बाद छोटे छोटे दड़बों में और छोटी बस्तियों में रहने वालों के लिए, उनके लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई डबल, कि भूख से मरने लगे, और इसलिए वो जाना चाहते हैं। वो सब बातें मैं नहीं दोहरा रही, एक्सीडेंट्स में और आत्महत्याओं में कैसे मरे, महिलाओं के साथ क्या हो रहा, बच्चों के साथ क्या हो रहा, मैं नहीं दोहरा रही, पर मैं ये कह रही हूं आज वो सारा मजदूर वापिस आकर के इकोनॉमी को हैंडल करने की स्थिति में होता और कहता कि हमें वापिस बुलाओ। अगर आपने पहले उस समय उसको जाने दिया होता, आपने नहीं जाने दिया, ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी गलती है। पर अब हम आपसे कह रहे हैं, दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये अभी पहला राउंड है, हो सकता है कि कोविड-19 दोबारा मार मारेगा। हिंदुस्तान अभी उसके पहले फेज में है, पहली स्टेज में है, अभी हमारी पीक नहीं आई है। हम नहीं जानते कि सेकंड स्टेज हिंदुस्तान के अंदर कब आएगी, अगस्त सितंबर में आएगी कि सर्दियों में आएगी, हम लोग नहीं कह सकते, ओनली एक्सपर्ट कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं, जहां ये कीटाणु जानता है कि कब दोबारा मार करने वाला। और इसीलिए जब अभी इसी पहले राउंड से बाहर निकलने के लिए इकोनॉमी को शुरू करना है, तो अभी भी हम ये कहेंगे अपनी रेलवेज को खोल दीजिए, जिसके पास जो आई कार्ड है, आधार है या दूसरा है, जाने दीजिए उनको, उनको अपने घरों में पहुंचने दीजिए, उनको अपने परिवार के साथ महीना बिता लेने दीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता जो शहर के अंदर या औद्योगिक एरिया के आसपास जो वर्कर अभी है, सस्टेन किया हुआ है, उन लोगों से काम शुरू करवाइए, जो आपने धीरे धीरे ग्रीन जोन में लॉकडाउन को ओपनिंग अप करना है, ये प्लानिंग चाहिए। लेकिन उसके वास्ते पूरे देश को एक साथ चलना चाहिए। लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप तब भी राजनीति से बाहर नहीं निकले, तब भी आप इस देश को साथ नहीं लिए, राजनीतिक पार्टियों को, राज्य सरकारों को साथ नहीं लिए, आपने फेडरल स्ट्रक्चर का आदर सम्मान नहीं किया। और आज जब इस कोविंद का अभी पीक भी नहीं आया है, तो आपकी पार्टी की मानसिकता वहीं की वहीं खड़ी है। और आज आप केंद्र सरकार एक के बाद दूसरे राज्य सरकारों के साथ राजनीति खेल रहे हैं, आप गवर्नर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप राज्य सरकारों को राज्य सरकारों के साथ भिड़वा रहे हैं, एक राज्य की दूसरे राज्यों के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाउंड्रीज बनवा रहे हैं। इसलिए पहले आपने किसी से पूछा नहीं, ठोक दिया, और उसके बाद ढील दे दिया जो मर्जी करे, और उसके बाद केंद्र से लगाम भी खींच रहे हैं और राज्य सरकारों को मदद भी नहीं दे रहे हैं। खुद मान लिया आपने कि 4 महीने की आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने मान लिया कि जीएसटी का पेमेंट आपको आपने नहीं दिया राज्य सरकारों को। आप जितने झुंझुने आपने बिजनेस कम्युनिटी को दिखाए हैं, उनमें से भी कुछ मैदान में नहीं उतर रहा है। लोगों को जो जरूरतें थी पूरी नहीं हुई, आपकी सारी प्रोमिसेस फेल हुई। तो मैं ये आज कहना चाहती हूँ,
अगर बीजेपी की पार्टी ये समझती है कि महाराष्ट्र की सरकार को जाना चाहिए, कोविड-19 नहीं संभाल रहे तो गुजरात की सरकार को भी जाना चाहिए ना, फिर मध्य प्रदेश और बिहार को भी जाना चाहिए। आज ये स्टेज है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी राज्यों के अंदर अपनी घिनौनी सियासत में लगे, उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर के वहां पर कोविड महामारी से निपटने की बजाय, ये तो गवर्नर की पोस्ट ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम नहीं कहेंगे कि इस कोविड-19 के इस माहौल के अंदर इनको हटा दीजिए, लेकिन इस पोस्ट की जरूरत क्या है इस देश में? ये तो केंद्र सरकार की कठपुतली बन जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। माफ कीजिएगा अगर मैं जरूरत से ज्यादा बोल रही हूं, लेकिन यही हम देख रहे हैं। एक जगह का गवर्नर दखल ही नहीं देना चाहता, दूसरे जगह का गवर्नर दखल दे रहा है, तीसरे जगह का गवर्नर कह रहा है कि मुझे इंडिपेंडेंट बना दो। ये सब क्या हो रहा है इस देश के अंदर? और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर कोविड-19 से ठीक से ना निपटने की वजह से किसी राज्य सरकार को जाना चाहिए तो क्या केंद्र की सरकार को नहीं चले जाना चाहिए? लेकिन क्या आज हम ये मांग उठा रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे हैं कि आपको रिजाइन करना चाहिए, हम तो कह रहे हैं आपको फ्रंट पे आकर के जो कोताही बरती गई, जो मिस्टेक हो गई, उसको दरकिनार रखिए। अब सारी राज्य सरकारों को विश्वास में लीजिए, फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान कीजिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को, ट्रेड यूनियंस, किसान आंदोलनों को, महिला आंदोलनों को साथ लीजिए और इस महामारी से अब निकलने का रास्ता क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाने का रास्ता क्या होगा, पूरे समाज को समझाने का कि ये बीमारी मालूम नहीं साल रहेगी, दो साल रहेगी, अपने बिहेवियर पैटर्न को कैसे हमें ठीक करना है, ये समय है। और आपका जो गोदी मीडिया है उसको भी वैज्ञानिक सोच की तरफ काम करना होगा, नहीं तो वो भी नॉन सीरियस होकर के इस बीमारी को फैलाने के धंधे को बढ़ा रहे होंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कम से कम अब तो इस सियासत से बाहर आइए। अब तो स्टेट्समैनशिप की बात करी थी आपने, आपने कंपैशन की बात की थी, तो स्टेट्समैनशिप और कंपैशन को निभाइए ना आप। तो स्टेट्समैनशिप इसमें है कि भारतीय जनता पार्टी पे लगाम लगाइए, स्टेट्समैनशिप इसमें है कि जहर फैलाने वाले, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने वालों पे लगाम लगाइए, स्टेट्समैनशिप इसमें है कि अपनी होम मिनिस्ट्री से कहिए डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हैं जेलों में कंजेशन खत्म होनी चाहिए, जेलों से लोगों को कम करो, उनको छूट दो, पेरोल पे भेजो, और दूसरी तरफ 60+ वालों को आप जेलों में भेज रहे हैं जिनके लिए आप इंतजार कर सकते हैं, पुराने केसेस उठा रहे हैं या जो केसेस चल रहे थे आप वेट भी कर सकते हैं, कोई देश से भाग नहीं रहा है, लेकिन आप उनको जेलों में ठूसने लगे हुए हैं क्योंकि आप अनकंफर्टेबल है उनके सियासत से, और उसके साथ साथ बच्चों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी होम मिनिस्ट्री इसी काम में व्यस्त है क्या? वो पिंजरा तोड़ की उन दो नौजवान लड़कियों को एक केस से जमानत मिलती है, दूसरा संजीदा केस ठोक दिया जाता है, यूएपीए का मिसयूज किया जा रहा है, सेडिशन एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, 19 साल की उस प्रेग्नेंट बच्ची को कोई जमानत नहीं मिलेगी, और जिसने असम के अंदर लिखित चिट्ठी लिखी कि मुसलमानों को एड मत देना, और जो फॉरेन ट्राइब्यूनल का मेंबर है उसने लिखित चिट्ठी निकली, उसके ऊपर कोई आप केस नहीं डालेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड चल रहा है, इस डबल स्टैंडर्ड की दोहरी राजनीति से बाहर आइए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और अपनी होम मिनिस्ट्री को भी संदेशा दीजिए ये वक्त नहीं है बदले की राजनीति करने का, ये वक्त है इस पेंडेमिक से निपटने का, और जो नॉर्मल हमारे पेशेंट हैं, नागरिक हैं और नॉर्मल बीमारियों से पीड़ित हैं उनका भी संज्ञान लेने का, और उसके साथ साथ इकोनॉमी को अपग्रेड करना है तो अभी भी इन श्रमिकों को घर जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, बाद में निपट लीजिएगा। केंद्र की सरकार पैसा देगी के राज्य की सरकारें देंगी, इनको गाड़ियों में डालिए इनके आईडी कार्ड के साथ, लंबी लंबी लाइनें बंद कीजिए रजिस्ट्रेशन की, इसको सबसे पहले कीजिए,
तभी आपकी इकोनॉमी जो मौजूद वर्कर है उन इलाकों में उससे शुरू होके ये वर्कर जब लौटेगा फिर से वो रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि इस पूरे देश को उस इकोनॉमी के फिर से ठीक से चालू होने की आवश्यकता है। ये आपकी और हमारी, देश की, आवाम की, बिजनेस की और वर्कर की, किसान की और आम नागरिक की, सबकी आवश्यकता है। उसी के लिए आज इन दोनों समस्याओं से मिलजुल करके निपटना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। आप कहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री सुन लेंगे मेरी बात, मुझे भी विश्वास नहीं होता है, पर प्रधानमंत्री कहते हैं राइट्स की बात करते रहते हो, अधिकार की, ड्यूटीज की बात करो। तो मैं आज ड्यूटीज की बात करने के लिए आई हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी ड्यूटीज हैं। आज हमारी ड्यूटी है कि हम सरकार की गलतियां उनको बताएं, हमारी ड्यूटी है हम नागरिकों को बताएं कि सरकार कहां गलती कर रही है, हमारी ड्यूटी है हम नागरिकों को बताएं कि इस पेंडेमिक से हम सबको निपटना है, हमारी ड्यूटी है कि अर्थतंत्र को फिर से उठाने के लिए हम सबको एक साथ होना होगा, ये हमारी ड्यूटी है। और इसीलिए हम नहीं चाहते सरकार सुनती है कि नहीं, ये सरकार फैसला करे, लेकिन हम नहीं चाहते कि इतिहास इनको तो माफ नहीं करेगा गलतियों से, लेकिन इतिहास में हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते। हम आज अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहते हैं। कोई ये नहीं कहे कि उस वक्त आप खामोश क्यों रहे, क्यों थे, आपकी जुबान क्यों नहीं खुली थी, आपने लोगों को संगठित क्यों नहीं किया था, आपने लोगों को आगाह क्यों नहीं किया था, आपने आवाज बुलंद क्यों नहीं की थी। इसलिए हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मेरा पूरे देशवासियों से ये कहना है कि इस पेंडेमिक से निपटने के लिए पूरी वैज्ञानिक सोच से, मेडिकल एडवाइस से आने वाले महीनों के अंदर आपको अपने बिहेवियर पैटर्न में चेंज करना होगा। उसको बिहेवियर पैटर्न को हम चेंज करेंगे, इसके साथ साथ अर्थतंत्र को भी लाने के लिए जो सरकारों से मांग है उसको बुलंद करेंगे। हमारे अधिकारों पे, श्रमिक अधिकारों पे जो चोट है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। समाज के हर हिस्से की लड़ाई का संज्ञान लेते हुए हम उनके साथ खड़े होंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे फर्ज हैं, ये हमारी ड्यूटीज हैं। केवल राइट्स नहीं है, उन दोनों को, ड्यूटी और राइट्स का, दोनों का संज्ञान लेते हुए मैं आज बात करने के लिए आई, क्योंकि आज मैं फिर से बहुत प्रवोक हो गई जिस किस्म से भारतीय जनता पार्टी एक घिनौनी राजनीति के अंदर आज शामिल है और प्रधानमंत्री लगाम नहीं लगा रहे अपनी पार्टी पे। इसीलिए मुझे दोबारा आपके बीच में आना पड़ा। मैं फिर से आप सबको नमस्कार कहते हुए, आदाब कहते हुए, सत श्री अकाल कहते हुए, जय हिंद बोलते हुए अपनी बात खत्म करती हूँ।